अरे मोदी जी, जरा अपना रेडियो का चक्का घुमाओ और देखो कहीं पर देवानंद जी के गाने आ रहे हैं। एक देवानंद जी का गाना सुना दो। जब तक सुबह सुबह आपके रेडियो का एक गाना ना सुन लो, मजा ही नहीं आता। मैं तो चाय लेकर यहीं पे आके बैठ जाता हूँ। लेकिन मोदी जी, आपका रेडियो आज बोल क्यों नहीं रहा, क्या बात है? क्या बताऊं लालू जी, ये केजरीवाल जी से मैंने रेडियो खरीदा था, और जब मैंने ये रेडियो खरीदा था उन्होंने कहा था कि इस रेडियो के अंदर जो बैटरी है वो कम से कम 2 महीने तक चलेंगी। लेकिन इस रेडियो को लाए हुए तो अभी 15 ही दिन हुए। 15 दिन में ही इस रेडियो की बैटरी डाउन हो गई, खराब हो गई। अब दूसरी बैटरी डालना पड़ेगी। लेकिन मोदी जी, एक बात बताऊं, आप दिन रात रेडियो बजाते रहते हो तो जल्दी डाउन खराब होंगी नहीं इसके अंदर की बैटरी? जब से आप इस गांव में इस रेडियो को लेकर आए हो, 1 मिनट के भी लिए आपका रेडियो बंद नहीं होता है। पूरा पूरा दिन आप बजाते रहते हो तो बैटरी तो जल्दी खराब हो ही जाएगी, डाउन हो ही जाएगी। वैसे मोदी जी, इसके अंदर कितने रुपए की बैटरी पड़ जाती है? राहुल, इसके अंदर 30 रुपए की 3 बैटरी पड़ती है। अब पैसे तो जेब में है नहीं, क्योंकि इस बार खेती में जितनी भी पैदावार हुई उस अनाज को बेचकर मैं ये रेडियो खरीदना आया। मुझे क्या पता था बैटरी का इतना ज्यादा खर्चा होगा, नहीं तो मैं इस रेडियो को नहीं खरीदता। योगी जी, 30 रुपए उधार दे दो, इस बार की फसल आएगी तो मैं 30 रुपए लौटा दूंगा। इस रेडियो के लिए 3 बैटरी खरीद लूं। देखो भाई मोदी जी, मेरे पास तो पैसे उसे है नहीं। तुम्हें तो मालूम ही है इस बार की मेरी भी फसल पूरी की पूरी बाढ़ में बह गई थी, और उल्टा तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। मोदी जी, एक बात बताऊं, अखिलेश से पैसे मांगो, अखिलेश से, अखिलेश के पास पैसे होंगे। अखिलेश, तुम सुन रहे हो? अरे मेरे इस रेडियो की बैटरी खराब हो गई, इस रेडियो के लिए 3 बैटरी खरीदना है, जिसके लिए मुझे 30 रुपए की जरूरत है। 30 रुपए उधार दे दो, फसल आएगी लौटा दूंगा। कहाँ पर पैसे रखे हैं मोदी जी? पैसे होते तो आपके पास हम फालतू बैठे होते यहाँ पर, कोई काम काज करते। चलो आज मैंने देख लिया तुम सब लोगों को। अरे जब मेरा रेडियो बजता था तो सब लोग तो बड़ा मस्ती में गाने सुनते थे, और तुम्हारे फरमाइश के गाने में सुनाता भी था। आज जरा से मेरे रेडियो की बैटरी खराब हो गई, कोई मुझे 30 रुपए उधार नहीं देना चाह रहा है। आज के बाद तुम सब लोगों के सामने रेडियो बजाऊंगा ही नहीं। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और लालू जी, कैसे हाथ पर हाथ धरे बैठी हो? धंधा पानी ठीक तो चल रहा है? लो लालू जी, ये 5 रुपए लो, एक आलू वाले चिप्स की थैली दे दो। राहुल, आलू के चिप्स उप्स की तो थैली है नहीं दुकान में, खत्म हो गई, कल को ले आऊंगा, कल को ले लेना। अरे लालू जी, कैसी अजीब बात कर रहे हो? चलो कोई बात नहीं लालू जी, खट्टी मीठी वाली गोली दे दो। राहुल, खट्टी मीठी गोली भी खत्म हो गई, बुरा मत मानना। अरे लालू जी, क्या लगा रखा है आपने? आलू के चिप्स की थैली भी नहीं है, खट्टी मीठी गोली भी नहीं है, तो आपकी किराना दुकान में, अरे आपकी किराना दुकान तो बिल्कुल खाली हो गई। अरे लालू जी, जब आपने 1 महीना पहले ये दुकान खोली थी तो बिल्कुल सामान से फुल थी, हर सामान मिलता था आपकी दुकान पर, अब कोई सामान नहीं है, कैसे खाली हो गई ये दुकान? और मैं देखता हूँ आपकी दुकान के बाहर पूरा पूरा दिन मोदी जी बैठे रहते हैं, और अखिलेश आराम से चारपाई पे लेटे रहता है। अब राहुल, मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो तो किसी वजह से मैं इस दुकान को खोल के बैठता हूं, एक बाल्टी में पानी लेकर बैठ गया हूं, पानी सबको पिलाता रहता हूं, तुम भी पानी पी लो। मेरी दुकान का जितना भी सामान था ये मोदी जी और अखिलेश उधार खा गए। अब पैसा मांगो, देते ही नहीं है पैसा, कहते हैं हम कहीं भागे जा रहे हैं, तुम्हारी दुकान के बाहर ही तो बैठे हैं। अरे लालू जी, जरा 1 गिलास पानी देना, प्यास लगने लगी। अरे अखिलेश, कब तक पानी पियोगे, मेरे पैसे दे दो। लालू जी, 1 कप घर से चाय लाया था, आपकी दुकान के बाहर जब तक चाय ना पियो मजा ही नहीं आता है। जरा देखना दुकान में कोई बिस्किट का पैकेट हो, 1 बिस्किट का पैकेट दे दो, खाते में लिख लेना। मोदी जी, एक बात बताओ, तुम घर से आते हो सिर्फ 1 ही कप चाय लाते हो, हमारे लिए चाय क्यों नहीं लाते हो, और आराम से मेरी दुकान के बाहर चाय पीते रहते हो, और ऊपर से बिस्किट का पैकेट मांग रहे हो। बिस्किट का पैकेट कहाँ से आएगा, सारे के सारे बिस्किट तो आप ही खा गए। मेरा उधार दो, 80,000 रुपए। अरे लालू जी, मोदी जी के ऊपर आपके 80,000 रुपए आ रहे हैं? 80,000 रुपए का सामान ही है आपकी दुकान से खा गए? राहुल, ये मोदी जी तो सिर्फ 80,000 का मेरी दुकान से सामान खा गए, लेकिन अखिलेश का उधार सुनोगे तो मुंह से चीख निकल जाएगी तुम्हारे। अरे अखिलेश, ज्यादा में ज्यादा 1 लाख का उधार खा गया होगा। नहीं राहुल, 3 लाख रुपए का उधार खा चुका है मेरी दुकान से लेकर, पैसे उधार के दे ही नहीं रहा, कह रहा है कि मैं तो तुम्हारी दुकान के बाहर चारपाई पे लेटा रहता हूँ। राहुल, तुम यहाँ आकर लालू जी से बेफालतू की खुराबात कर रहे हो, जब हमें पैसे देना होंगे लालू जी को दे देंगे, हम कहीं भागे थोड़ी जा रहे हैं। तुम पानी पियो और जाओ, और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
अरे मोदी जी पत्तल में थोड़े से पीले चावल और दो। मोदी जी आपने जो भंडारा कराया ये पीले चावल सबको खिला रहे हो, पीले चावल खाकर मजा आ गया, गजब का भंडारा है, और थोड़े से पीले चावल दो। राहुल जितने भी पीले चावल खाना उतने खा लो, पीले चावल की कमी नहीं है, मैंने 3-4 कढ़ाई भर के पीले चावल बनाए और कढ़ाई में पीले चावल खुद ही बनाए, देख लो। लाओ पत्तल को थोड़ा आगे करो, तुम्हें पीले चावल और दे देता हूँ। वाह मोदी जी वाह, दिल खुश कर दिया आपने, दिल मोह लिया आपने हमारा, इतने गजब के पीले चावल आज तक मैंने नहीं खाए, ऐसा भंडारा मैंने आज तक नहीं देखा जो इतनी मेहनत से अकेले ही तुमने पूरे गांव वालों के लिए पीले चावल बनाए। नहीं तो अकेले कोई इतना काम कैसे कर पाता है, पूरे गांव वालों के लिए खाना बनाना बहुत बड़ी बात है। लालू जी जो भी काम करता हूँ मैं लगन से काम करता हूँ, अब देखो 4-5 कढ़ाई भर के पीले चावल बना चुका हूँ मैं, और अभी भी गाँव के आधे लोग खाने के लिए रह गए, क्योंकि पुरुष तो लगभग खाना खाने वाले हैं, पुरुषों के बाद महिलाएं खाना खाने के लिए आएंगी भंडारे में। तो मोदी जी मुझे लगता है अभी 4-5 कढ़ाई भर के पीले चावल और बनाना पड़ेंगे आपको, क्योंकि अभी तो लगभग पुरुषों ने ही भंडारा खाया है, गांव की सारी महिलाएं तो अभी खाना खाने के लिए रह गई हैं। मोदी जी थोड़े से पीले चावल पत्तल में और डाल दो। राहुल योगी जी क्या 3-4 दिन का खाना आज ही खा लोगे? एक कढ़ाई भर के पीले चावल तो 4-5 लोग तुम ही खा चुके। तो मोदी जी जब आपके भंडारे में खाना खाने के लिए आए तो भूखे तो जाएंगे नहीं। अखिलेश भंडारे में खाना खाने को मना नहीं कर रहा हूँ, जितना भी भंडारे में खाना खाना है खा लो, मेरी तरफ से कोई दिक्कत थोड़ी है, बस मुझे इतना ही तो होगा, एक कढ़ाई चावल और बनाना पड़ जाएंगे। नीतीश कुमार जी बिल्कुल चुपचाप बैठे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं क्या बोलूं मोदी जी, आप उधरी बातें करते जा रहे हैं राहुल से, योगी जी से, लालू जी से, हमारी तरफ देख ही खा रहे हैं, कितनी देर से मेरे पत्तल में पीले चावल नहीं है, लेकिन तुम मेरी तरफ देख ही नहीं रहे हो जो पीले चावल मुझे दोगे। चलो नीतीश कुमार जी मैं नहीं देख पा रहा हूँ, मैं इधर देख रहा हूँ आगे की तरफ, लेकिन तुम आवाज देके तो मांग सकते थे जैसे राहुल योगी जी ने पीले चावल और मांगे। जितनी मर्जी हो उतने पीले चावल खाओ, मैंने अभी बोला नहीं तुमसे, मैं जब भी भंडारा कराता हूँ लगन से कराता हूँ, खाओ जितना खाना है। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।